समस्या के प्रति क्या होती है, तो उसका बोध ही क्या मैटर उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं व्हाट इज कार्टोग्राफी, मानचित्र कला के बीच में क्या बोलते हैं कार्टोग्राफी, मानचित्र कला क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले जो विचार व्यक्त किए थे वो व्यक्ति वो हम इन्होंने बताया कि पृथ्वी से किसी भी खगोलीय पिंड का मानचित्र बनाना, उसका आरेख बनाना, उसका नक्शा बनाना ही मानचित्र कला है। ठीक है, इसके बाद दूसरे जो ज्योग्राफर खगोलवेत्ता हुए सर हेनरी इरविन रे, इन्होंने बताया कि किसी भी खगोलवेत्ता को जो मानचित्र निर्माण का कार्य करना चाहता है उसे 50% भूगोलवेत्ता होना चाहिए, कितने प्रतिशत भूगोलवेत्ता होना चाहिए 50%, और उसको 30% कलाकार होना चाहिए, 10% उसको गणित और 10% अन्य विषयों का ज्ञान होना चाहिए। एक बार फिर से देखते वर्ट इस कार्य होगा कि मानचित्र कला क्या है, तो इसमें भी पृथ्वी से किसी भी खगोलीय पिंड का नक्शा बनाना आरेख बनाना एक मानचित्र कला होता है, और ये नक्शा बनाना मानचित्र बनाना मनुष्य की सहज सरल स्वाभाविक पर होती है। अब देखते हैं पर स्वाभाविक कार्य हो रहा है, अब ये जो मैप मेकिंग है मानचित्र कला है कार्टोग्राफी, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिर्फ जिस पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं उसका आकार इतना बड़ा है कि हम एक स्थान पर खड़े होकर पूरी पृथ्वी के तत्वों का अध्ययन नहीं कर सकते, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, इसके लिए हमें उसका पृथ्वी का छोटा लघु रूप में उसका कोई आरेख कोई नक्शा बनाना पड़ता है जिससे हम पूरी पृथ्वी का अवलोकन कर सकें। ठीक है, इसके बाद बनाते किस प्रकार से हैं दृष्टि से जो मैप में, तो सबसे पहले कोई भी नक्शा बनाने के लिए कोई भी आरेख बनाने के लिए हम सर्वेक्षण का कार्य करते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रिमेटिक कंपास सर्वे किया था ना, इसी उसके बाद आपने जो आरेख बनाया था जो अपने कॉलेज कैंपस का जो नक्शा बनाया था, तो यही प्रक्रिया सबसे पहले होती है। सबसे पहले क्या करते हैं किसी भी क्षेत्र का विभिन्न यंत्रों के माध्यम से विभिन्न तकनीकों के माध्यम से हम उसका सर्वेक्षण करते हैं, उसके बाद उस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को हम संचयन करते हैं, उनका संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, और उसके बाद हम क्योंकि पृथ्वी गोलाकार और गोलाकार पृथ्वी जब किसी समतल धरातल के ऊपर किसी समतल जगह के ऊपर उसका प्रदर्शन करना थोड़ा कठिन मुश्किल होता है, इसके लिए हमें प्रक्षेप का चयन करना पड़ता है। अब प्रक्षेप क्या होता है, गलों की अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल जिसको हम किसी समतल धरातल के ऊपर इसलिए बनाते हैं कि उसे हम उस क्षेत्र का आरेख उस क्षेत्र का नक्शा अच्छी प्रकार से बना सके। ठीक है, उसके बाद टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग,